प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीजो? मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का, जिसने आज का दिन दिखाया है, और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आप सबको भी ठीक रखा है, और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप समय निकाल के प्रार्थना देखते हैं ताकि आपकी ब्लेसिंग आपको मिल सके, हालेलुया। आज की जो प्रार्थना है, आज की जो परमेश्वर ने आवाज़ दी है, वो आपको थंबनेल में पता चल गई होगी, टाइटल में पहले लिख देता हूँ, वो है जॉब के लिए और सुपर ब्लेसिंग के लिए। अपनी सुपर ब्लेसिंग, अपनी सुपर जॉब के लिए, अपने आशीष पाने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर जो वचन दिया है, और बार बार जब वचन देता है मुझे, तो वो काम 100% होना ही होना है। आज बहुत से बेरोजगार भाई बहन हैं, बहुत से बिजनेस फ्लॉप हो चुका है, लेकिन आज सब कुछ होगा, और परमेश्वर आज एक वचन के द्वारा आपको पूरी तरह से आशीष में तब्दील कर देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं राख हक मिट्टी हूँ, कुछ नहीं पिता परमेश्वर, कि तू ही सब कुछ है प्रभु जी। मैं क्या हूँ पिता? सिर्फ तेरा ही तो काम कर रहा हूँ पिता। आज तूने अपने दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि उन भाई बहन, उस परिवार पे दिए, जहाँ पे रोजगार नहीं है, जहाँ आशीष नहीं है, जहाँ गरीबी आ चुकी है पिता, आज इनकी गरीबी को तू दूर कर यीशु मसीह के नाम है। आज गरीबी का बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम है। आज आशीष आए, जॉब की आशीष हो, बिजनेस की आशीष हो पिता, बढ़ोतरी का आत्मा आए पिता। हाँ मेरे पिता, आज अपनी आशीष को डेलना है, सुपर ब्लेसिंग हो, और जितने भाई बहन नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी तेरी उपस्थिति दिखे पिता, आज की डेट में पिता। इस प्रार्थना संदेश के बाद वो ब्लेसिंग इनके जीव में बहुत ऐसे आने पाए। इस वचन को बोलने से पहले तेरा आत्मा सौंपता हूँ, मेरा बोलना नहीं फर्न तेरा बोलना, सब कुछ तेरे अनुसार हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज़ो। और वचन देने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, अगर कॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि कॉल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, आप प्रार्थना देखते हैं उसको शेयर भी करें, ठीक है, और ताकि लोगों तक वो संदेश और वो ब्लेसिंग पहुँचे, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो वो शेयरिंग की जो प्रतिफल है वो आपको मिलता है, हालेलुया। मेरे जैसे मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, मैं कोई भी वचन अपने आप से नहीं देता हूँ, ना ही कोई भी भविष्यवाणी अपने आप से दे सकता हूँ। ये सब परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके अनुग्रह से होता है। बहुत दिनों से प्रभु मुझसे कह रहा था कि प्रार्थना करनी है, और कभी कभी मैं बात बहुत जल्दी मानता हूँ, कभी कभी मैं देरी क्यों करता हूँ, मैं पहले मैं जानता हूँ कि ये मेरा मन है या परमेश्वर की आवाज़, और जब मैं पूरा परिपक्व हो जाता हूँ तब मैं आपके सामने आता हूँ, हालेलुया। और वो बात हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। आज कितने भाई बहन जो इंटरव्यू दे चुके हैं, या इंटरव्यू देना है, या कोई जॉब का एग्ज़ाम देना है, या किसी का बिजनेस है जो लॉकडाउन में फ्लॉप हो चुका है, या नौकरी जा चुकी है, यानी कि आर्थिक तंगी आ चुकी है, आज प्रभु आपको जड़ से इस आर्थिक तंगी से आज़ाद करेगा। परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस कर रहा है आज के डेट में, यीशु मसीह के नाम है। आपकी चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, परमेश्वर आपको जॉब से नवाजेगा, जॉब की आशीष आएगी, ब्लेसिंग आएगी, और आप गवाही के साथ होगे। दूसरी बात, आपको जो भी प्रतिफल मिलता है ना, प्रार्थना देखने के बाद आपका जीवन बदले, आपको चंगाई मिले, कुछ भी मिले, आप गवाही जरूर दिया करो, गवाही जरूर दिया करो। या तो YouTube के WhatsApp पे नंबर जो है उस पर गवाही दो, या YouTube के जिस वीडियो के द्वारा आपको गवाही मिली, चंगाई मिली, कुछ भी मिला, उसके नीचे गवाही लिख दो, ताकि वो गवाही दुनिया तक पहुँचे और परमेश्वर का नाम और फैले, हालेलुया, और लोगों के जीवन बचे आपके गवाही के द्वारा। इसलिए मेरे ऐसे तो गवाही देना ज़रूरी है। आइए वचन जाएंगे, और एक ही संदेश है आज का। वचन कहता है लूका 5 अध्याय उसका 4वां वचन से पढ़ेंगे। लूका 5 अध्याय का 4वां वचन क्या लिखा है? जब वह बातें कर चुका तो शैमून से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। मछलियां का जिक्र है, मछलियां एक बिजनेस थी वहाँ पे, वो नौकरी भी थी, बिजनेस भी था, उससे ही आमदनी होती थी, मछुआरे थे वो। आज जो आप काम करते हो, ठीक है, जो भी आप काम करते हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या नौकरी की तलाश में हो, परमेश्वर आज आपको सुपर ब्लेस दे रहा है यीशु मसीह के नाम है, इस वचन के अनुसार, ठीक है। अब यीशु मसीह ने कहा, चल शैमोन, घर में चल, वहाँ पे जाल डाल, ठीक है। आपने अभी तक बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ नहीं थे वहाँ पे। शैमोन के साथ उससे पहले यीशु मसीह नहीं थे, उन्होंने सारी रात मेहनत करी। सुनना भी गौर से, आप यीशु मसीह के बिना मेहनत करते लिए, आज प्रभु ने आपको कह दिया है, जहाँ आपने 5 बार इंटरव्यू दिया है, 6ठी बार जाओ, परमेश्वर आपको उसी जगह नौकरी पे आशीष देगा।
जो आपको नौकरी से निकाल चुका है आज उसी की कॉल आ रही है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जो बिजनेस बंद हो चुका है परमेश्वर उसी को आज नया बिजनेस में तब्दील कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आर्थिक तंगी गरीबी जड़ से जाएगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्या लिखा है, मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। सारी रात मेहनत की, लेकिन उस रात तो यीशु मसीह थे नहीं ना उनके साथ। आपने जो मेहनत करी अपने दिमाग से करी, आपने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं नौकरी में मिल सकती है, गवर्नमेंट जब मुझे यूँ मिल जाएगी, ये गलत फहमी मत रहना। परमेश्वर चाहेगा तभी नौकरी मिलती है, परमेश्वर के ब्लेसिंग से नौकरी मिलती है। हमारे और आपके एजुकेशन, हमारे टैलेंट से नौकरी नहीं मिलती, बिजनेस नहीं चलते मेरे अजीज़ों। हम कितने भी टैलेंट हो, कितने भी नौकरी है, लॉकडाउन लग जाता है तो कहाँ टैलेंट, कहाँ है नौकरी, चली जाती है ना। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर डिपेंड है तो वो लॉकडाउन में सुपर ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में, उसका गवाह मैं बैठा हूँ। और आज जैसे प्रभु ने मेरे जीवन से शराब दूर करा, वैसे आपके जीवन से भी शराब दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए कभी मत कहना कि मैं, मेरे पास बहुत डिग्री है, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। अरे डिग्री छोड़ दो, आप विश्वास करो परमेश्वर के पास, आपको सुपर ब्लेस की जॉब मिलेगी। और जॉब आपके पास है, ये मत चिंता करो कि मेरे पास ये जॉब है तो मैं कैसे कैसे बड़ी जॉब के लिए भागूँ। नहीं भागना आपको, अगर आपके पास छोटी जॉब है तो आप उसी में मेहनत करो, परमेश्वर उसी में मल्टीप्लाई आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जब दो मछली पांच रोटी को परमेश्वर ने तब्दील किया था, कितने लोगों में, 5000 पुरुषों की गिनती है, कितने, 5000 पुरुषों की गिनती है। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते जाओ उनके लिए 10000 रोटी का इंतजाम करो, उसी रोटी में सुपर ब्लेसिंग की आशीष देती है। आज वही आशीष आपके परिवार में आ रही है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से, तेरी आज्ञा मानूंगा। आज जो आज्ञा मान रहा है, जैसे प्रभु ने कहा जून के महीने जो बीज बोएगा वो प्रतिफल पाएगा, तो वो पा रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। अगर आप समय भी दे रहे हो ना, आप समय भी दे रहे हो यीशु मसीह को, तो उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। आपका पैसा जो दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, फजूल में, आपका पति का पैसा शराब में, गुटके में, वेश्या में जा रहा है, वो नहीं जाएगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। आपने परमेश्वर की आज्ञा मानी, प्रभु आपको सुपर ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्या बोला शमौन, शमौन उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत करी कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से, तेरी आज्ञा मानूंगा, हालेलुया। आज लोग आज्ञा नहीं मानते, इसलिए उन पर ब्लेसिंग नहीं आती। आज प्रभु ने आज्ञा दी है आपको, काम करो और प्रतिफल आपके लाइफ में आएगा, कॉल आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, बिजनेस चलेगा, आपकी गरीबी जड़ से जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लोग आपको कहते थे कि ये श्राप है पूर्वजों का, तेरे सब पूर्वज सैगे में घूमते हैं, आप गाड़ी में घूमोगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप किराए के मकान में चले आ रहे हो, आप अपने मकान में रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आज गरीबी का श्राप जड़ से जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब उन्होंने ऐसा किया तो मछलियाँ घेर लाए, हालेलुया, और उनके जाल फटने लगे। इतनी ब्लेसिंग देने वाला है परमेश्वर, जगह नहीं रहेगी, हालेलुया। इतनी ब्लेसिंग, इस ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जा, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। और उनके जाल फटने लगे, इस पर उन्होंने अपने साथियों को और जो दूसरी नाव पर से संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो, और उन्हें आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। इतनी आशीष दे रहा है आपको परमेश्वर आज, इतनी ब्लेसिंग दे रहा है जो आपकी 7 पीढ़ी पहले वाली नहीं देख पाई यीशु मसीह के नाम में। आज अपनी सुपर ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज मल्टीप्लाई आशीष के लिए तैयार हो जाओ। आज अपनी गवर्नमेंट जॉब, अपनी जॉब, अपना वीज़ा के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज यहाँ से वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज गरीबी का शराब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पे गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब यहूना को भी, जो शमौन के सबक थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। और वह नावों को किनारे ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए, हालेलुया। लोग अचंभा करेंगे आपके आशीष को, वो कहेंगे इसके दादा तो किराए पे, इसके पापा किराए पे, लेकिन ये अपने मकान में कैसे आ गया, ये अपनी गाड़ी में कैसे आ गया। आज वो सारा शराब टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में।
और कुछ लोग जो प्रभु में आना चाहते हैं आज वो भी आएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आत्मिक और संसार की सारी ब्लेसिंग जो एक निजी ब्लेसिंग होती है नवाज रहा है यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करें, दे रहा है परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपनी सुपर ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करता हूँ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज इस सुपर ब्लेसिंग के लिए पिता, जो इनके झोली में अपने भर दी, इनकी लाइफ में भर दी पिता। आज इनके पूर्वजों के शराब बंधन को आपने जड़ से तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे आज वही हैरान हो जाएंगे जब इनकी ब्लेसिंग को देखेंगे, चाहे वो जॉब की ब्लेसिंग को, बिजनेस की ब्लेसिंग को, चाहे आत्मोन्नति की ब्लेसिंग को पिता। ओ मेरे पिता, वरदानों की ब्लेसिंग को, फलों के ब्लेसिंग को, सारी ब्लेसिंग के लाइफ में आ रही है यीशु मसीह के नाम में पिता। जो जो किसी बहन का या भाई का वीज़ा अटक गया है वो वीज़ा पिता कंप्लीट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ से वहाँ जाना कंप्लीट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपॉइंटमेंट लेटर की लाइफ में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो शराब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से, कर्ज का शराब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से, मल्टीप्लाई आशीष से नवाज रहा है यीशु के सामर्थ्य के नाम में। आज आपकी मेहनत सफल ला रही है यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस चार गुना आशीष पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और ऐसे जो बिजनेस है जो प्रभु को पसंद नहीं है वो चेंज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप उस बिजनेस को चेंज करें यीशु मसीह के नाम में। जो आपने गुटखों की दुकान खोल रखी है उसे चेंज करें। जो आपने बीड़ी सिगरेट की दुकान खोल रखी है उसे चेंज करें। उस परमेश्वर चेंज करते ही आपको मल्टीप्लाई आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको नौकरी से नवाज रहा है यीशु मसीह में। जिस नौकरी पे किसी बहन की बेइज्जती, किसी भाई की बेइज्जती हुई, आज वही नौकरी आपको बुला रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उसी नौकरी के द्वारा आपको ऊंचा उठाएगा यीशु के सामर्थ्य में। रिसीव करें, रिसीव करें। आज सारी मेहनत आपकी सफल होगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ स्वामी, धन्यवाद करता हूँ। हाथ उठा के धन्यवाद करें सब, हाथ उठा के धन्यवाद करके। परमेश्वर ने आपको अपने मकान की भी आशीष दे दी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आपको सुपर ब्लेसिंग कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आप उधार दोगे, लेना नहीं पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका रुका हुआ काम बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो फाइल दब गई थी वो फाइल निकल रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हर वो काम बन रहे हैं यीशु के सामर्थ्य। सो टोटल ब्लेसिंग, सुपर ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। वो उस प्रोजेक्ट का शराब, वो बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता ये चौगनी आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये वो आशीष पा रही है कि लोग अचंबा करेंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके प्रोज पे साइकिल थी पिता, लेकिन पे गाड़ी आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और पिता कुछ लोग ऐसे जो आत्मिक उन्नति चाहते हैं, वो आत्मिक उन्नति से भर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता इनके जीवन में फल की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। सुपर ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता अपने प्रार्थना सुने पिता, और एक एक ने जो बीज बोया है पिता यीशु चंगाई सभा में पिता, वो डबल ब्लेसिंग के अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। पिता समय का बीज बो रहा है, वो समय इनका बेकार ना जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से जो पैसा इनका बेकार जा रहा था, वो जिन भाइयों का पैसा बेकार जा रहा था, बहनों का पैसा बेकार जा रहा था शराब वेश्यागर्दी पाप में पिता, वो पैसा रुक जाए यीशु मसीह के नाम में। ठहर जाए आशीष, ठहरने वाली आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्रोति की आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम में। सफलता आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता अपने प्रार्थना सुने धन्यवाद करते, इनका पैसा दवाई में, कोर्ट कचहरी में, पाप में ना जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता अपने सुपर ब्लेस का धन्यवाद करते, इनके घर को आशीष से बढ़कर धन्यवाद करता हूँ। अपने प्रार्थना सुने, और एक एक जना गवाही के साथ बड़ी ब्लेसिंग के साथ आ रहा है, मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे हर एक इंसान जिसके लाइफ में सुपर ब्लेसिंग आ चुकी है, रिसीव कर चुका है, वो गवाही जरूर दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।